व्हाट्सअप फैमिली, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं लेके आप सबके लिए ब्रांड न्यू अशोक लेलैंड ट्रक मोड, जो कि दिखने में ना काफी ज्यादा रियलिस्टिक है, तो काफी मजा आने वाला है। गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहना। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जान जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार मोड देखने के लिए। और जिन्होंने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी से जाओ और भाई को फॉलो करो। सो गाइज, आप बिना किसी देरी के चलते हैं यार आज की प्यारी सी वीडियो की तरफ। ओके गाइज, तो यह चुके अपना ब्रांड न्यू अशोक लेलैंड ट्रक मोड, जो कि दिखने में कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और भाई इसके अंदर ना काफी सारी लकड़ियां यहाँ पे लोड की गई हैं, आप जैसा कि देख सकते हो। तो सबसे पहले गाइज देखते हैं इसके एनिमेशन की, जो कि हमें यहाँ पर तीन देखने को मिलती हैं। सबसे फर्स्ट वाली पर क्लिक करने से गाइज ये कुछ इस टाइप की यहाँ पे वर्क करती है। और अब चलते हैं सेकंड एनिमेशन की तरफ। गाइज इस पर क्लिक करने से ना इसके पीछे जितने भी यहाँ पे इसके कंटेनर के अंदर लकड़ियाँ वगैरह लोड की गई थी गाइज, वो यहाँ से पूरी तरह से हट चुकी हैं। तो बाकी थर्ड एनिमेशन की पर क्लिक करने से भाईजान इसका जो कंटेनर है गाइज, वो कुछ यहाँ से मतलब थोड़े थोड़े मतलब इसके जो कंटेनर के डाले वगैरह आप बोल सकते हो गाइज, इनको बॉडी के, ये यहाँ से ओपन हो चुके हैं। तो विंडो भी आप इनको बोल सकते हो, जैसा आप बोल सकते हो बोल नहीं सकते हो। तो बाकी फिलहाल गाइज इसका जो विंडो वाला आइकन है, इस पर क्लिक करने से इसकी फ्रंट की दोनों विंडो और उसी के साथ साथ पहले कंटेनर के तीन या फिर चार छोटे छोटे ये पार्ट ओपन हुए थे, बट विंडो वाला आइकन पर क्लिक करने से गाइज बाकी जितने भी बचे थे वो भी सभी यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो अब आप अगर देखोगे ना तो कुछ इस तरह का अपना ट्रक मोड देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल ही बेकार लगता है। तो गाइज इन सभी चीज़ों को क्लोज करते हुए सबसे पहले देखते हैं इसका इंटीरियर, जो कि हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। गाइज इसके जो स्पीडोमीटर है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, बाकी स्टेयरिंग व्हील भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। बाकी गाइज आप इसका डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हो, डैशबोर्ड के ऊपर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बट इनमें वर्क सिर्फ दो ही चीज़ें करती हैं, एक इसके स्पीडोमीटर है, दूसरा इसका स्टेयरिंग व्हील है। तो बाकी गाइज अंदर की तरफ आप देख सकते हो, अंदर की तरफ उतना कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो बाकी फिलहाल इसका जो फ्रंट वाला जो मिरर है गाइज, उससे बाहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखता है। तो साइड पर हमें दो छोटे छोटे मिरर देखने को मिलते हैं, जिसमें ट्रक के साइड का कुछ व्यू वगैरह देखने को मिल जाता है। तो बाकी गाइज आप देख सकते हो कुछ इस तरह का अपना ट्रक एंड आप देख लेते हैं बाहर से। तो फ्रंट पे गाइज सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो अशोक लेलैंड लिखा हुआ है, नीचे उसका कुछ लोगो है एंड बाकी इसका कुछ रियलिस्टिक सा डिज़ाइन है। तो साइड पर घुमाने पर भाईजान इसकी जो बैक साइड की जो बॉडी है ना गाइज, इसके जो कंटेनर का कलर है ना, सच में यार मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा गाइज। आप यहाँ पे देखो, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक प्यारी वाली फील यहाँ पे आ रही है, आप देखोगे एक बार। तो अगर बात की जाए इसके टायर की, तो गाइज टायर हमें काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक देखने को मिलते हैं, थोड़े नहीं बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक देखने को मिलते हैं, इनके डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो बाकी अंदर की तरफ कुछ ये वाली अपनी लकड़ी वगैरह लोड की गई हैं, आप जैसा कि देख पा रहे हो। तो अब गाइज यहाँ से बिना ज़्यादा बातें किए हुए निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या कुछ सीन है, इसकी स्पीड कैसी है कंट्रोलर। तो अभी फिलहाल हम यहाँ से गाइज निकल चुके हैं, ट्रक अपना थोड़ा सा लंबा भी आप यहाँ पे देखोगे ना अगर, तो मतलब लुक इसकी बहुत ही ज़्यादा प्यारी यार, सच में काफ़ी ज़्यादा मस्त है। तो बैक साइड में नीचे की तरफ दो छोटे छोटी बॉकेट लटकाई गई हैं। स्पीड की अगर बात की जाए गाइज, तो स्पीड हमें कुछ इसके अंदर इतनी ही देखने को मिलती है। एंड अगर कंट्रोलर की बात की जाए, तो ब्रेक पर क्लिक करने से गाइज इसके कंट्रोलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे यार, सच में मतलब गाड़ी जगह पर स्टॉप होती है यार, इतने ज़्यादा एक्टिव कंट्रोलर है इसका, मैं आपको क्या बताऊँ। एक बार आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से गाइज मैंने फिर से इसको ब्रेक लगाने लगा हूँ अभी, तो ब्रेक पर क्लिक करने से ये देखो आप, मतलब इतने ज़्यादा एक्टिव कंट्रोलर है इसका, सच में स्पीड भी बहुत ही मस्त है और पावर भी काफ़ी ज़्यादा और कंट्रोलर भी एकदम से एक्टिव देखने को मिल जाते हैं। तो एक बार चलाते हैं इसको कुछ इस वाले कैमरा एंगल से। यार गाइस सच में इस वाले कैमरा एंगल से उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है इस ट्रक मोड को चलाने में, मज़ा आना चाहिए बट नहीं आ रहा है यार कसम से। तो आप यहाँ पर देखो, तो फिलहाल एक बार चलाते हैं इसको एक्शन वाले कैमरा एंगल से कुछ इस वाले से। तो अभी टेम्पो वाले का क्या हाल कर दिया ट्रक ने, आप जैसा कि देख सकते हो गाइज रोड पर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो ये रहा भाई अपना ट्रक, रोड पे चलते हुए कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यार सच में। तो अगर बात की जाए इसको डाउनलोड करने की, तो गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस मोड के क्रिएटर की वीडियो का लिंक मिलेगा, आपने सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना है और इस मोड को आपने उसकी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोड है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा है यार कसम से। ये देखो आप भाई साहब क्या चीज़ है यार, ये देखो मतलब चलते हुए ना, एक चलाते हुए भी और चलते हुए भी
चलते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, चलाते हुए गाइज एक रियल वाली फील आती है सच में, कि हम किसी रियल ट्रक को चला रहे हो। यहाँ पे आप देखो इसकी जो लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यार, आप यहाँ पे देखो गाइज एक बार। बट इसमें हमें एक छोटी सी दिक्कत देखने को मिलती है जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा नोट की है गाइज। अगर आप इसको ब्रेक लगाओगे ना, हैंड ब्रेक जैसा मैंने अभी लगाई हुई है गाइज, अगर आप इसको ये वाली ब्रेक लगाओगे ना तो ये ट्रक मोड एक जगह पर नहीं रुकेगा। अभी भी आप देख रहे हो कि ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, तो ये कुछ यहाँ पे दिक्कत है। बट टायर इसके नहीं चल रहे हैं, स्लिप हो रहा है, जैसा लगता है जैसे ये ट्रक मोड स्लिप हो रहा है। बट ये कुछ इसके अंदर दिक्कत हमें देखने को मिलती है। तो बाकी फ़िलहाल गाइज ये रहा भाई अपना कुछ अशोक लेलैंड ट्रक मोड, जैसा कि आपने देखा क्या कुछ सीन है। विंडो वाला आइकन और एनिमेशन की काफ़ी अच्छे से वर्क करती हैं। बाकी स्पीड एंड कंट्रोलर ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे और ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मस्त ट्रक मोड है यार, आप लोग डाउनलोड करो, इन्जॉय करो, आराम से बैठ के खेलो। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए।